हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक आपके लिए एक अलग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हालांकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और हम लोगों ने इससे पहले जूम मीटिंग के एक वीडियो में इसके बारे में बात भी किया था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने कहा था कि आगे जब इसका सब्जेक्ट आएगा तब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम जो आगे नया सेक्शन देखने वाले हैं वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसे बोला जाता है SPI, यानी कि सीरियल पैराफेरल इंटरफेस। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि पहले UART और उसके बाद I2C जो हमने देखा था, यानी कि डेटा क्लॉक किस तरह से वर्किंग करता है, यानी कि I2C या I2C जिसे हम कहते हैं वो किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले के एक वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका पूरा डिटेल बताया था कि एक मास्टर जो है वो स्लेव के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करता है। यानी कि मास्टर यानी कि जिसको हम CPU समझ लेते हैं, और स्लेव यानी कि जो अलग अलग IC है मोबाइल के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन को CPU किस तरह से रीड करता है, किस तरह से उनमें डेटा ट्रांसफ़र करता है, डेटा रीड और राइट करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्रोटोकॉल के तहत होती है जिसे बोला जाता है I2C। और उसी के अंदर एक दूसरा प्रोटोकॉल भी यूज़ होता है जो कि एक यहाँ पे SPI प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। तो ये SPI प्रोटोकॉल है वो किस तरह से काम करता है, यानी कि सीरियल पैराफेरल इंटरफेस। ये इसके अंदर मैंने एक CPU लिया है जो कि एक मास्टर है, और एक लिया है स्लेव जो कि आपको बताने के लिए आपको यहाँ पे मैंने लिया है स्लेव। तो पहले हम इसका बेसिक फंडामेंटल जो है वो समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो आपने दोस्तों देखा होगा कई बार अपने फिंगर सेक्शन वगैरह या सेंसर के जो कुछ सेक्शन होते हैं, या कई फ़ोन के अंदर डिस्प्ले के अंदर या मेमोरी के अंदर भी इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। तो ये प्रोटोकॉल जो है वो किस तरह से काम करता है, तो वहाँ पर आपने एक लाइन देखी होगी MOSI करके, और दूसरी एक जो लाइन होगी वो होगी MISO। तो ये MOSI और MISO क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तो MOSI का मतलब होता है मास्टर आउट स्लेव इन, यानी कि मास्टर से आउट होगा और स्लेव के अंदर इन होगा। उसी तरह से एक होगा MISO, MISO का मतलब होता है मास्टर इन स्लेव आउट, यानी कि स्लेव से आउट निकलेगा और मास्टर के अंदर इन होगा। तो ये दो लाइन है जो इसके अंदर होती है। इसके अलावा एक लाइन होती है क्लॉक की लाइन, और एक लाइन होती है SS या CS जिसे बोला जाता है। SS का मतलब होता है स्लेव सिलेक्ट, या CS का मतलब होता है चिप सेलेक्ट। तो ये दोनों में से एक नाम आपको देखने को डायग्राम में मिल सकता है। तो जनरली हमने देखा था कि I2C टेक्नोलॉजी के अंदर दो वायर का यूज़ करके, यानी कि डेटा क्लॉक का लाइन दो वायर का यूज़ करके वहाँ से एक IC दूसरी IC से कम्युनिकेशन करती है। तो उससे थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है ये, इसके अंदर चार वायर का यूज़ किया गया है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ये है कि वहाँ पे डेटा के लिए यानी कि राइट कराने के लिए और रीड कराने के लिए लिए एक ही लाइन का यूज़ होता है, यानी कि डेटा लाइन का यूज़ होता है। यहाँ पे दो लाइन अलग अलग है, यानी कि रीड के लिए और राइट के लिए दोनों के लिए अलग अलग लाइन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यानी कि इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन I2C से डबल है, यानी कि डबल स्पीड में ये काम करता है। यानी कि जैसे हमारे सेंसर वगैरह जो चीज़ें होती है जो कि एक बहुत ही फास्ट होता है, जैसे हम फिंगर सेंसर पकड़ ले, तो फिंगर सेंसर के अंदर हम लोग जैसे ही हमारा फिंगर जो है वो टच कराते हैं, वैसे ही सी जो हमारा डिस्प्ले का लॉक है वो ओपन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही फास्ट होती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो कम्युनिकेशन है वो भी थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको SPI टेक्नोलॉजी यानी कि SPI प्रोटोकॉल का जो यूज़ है वो यहाँ पे आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है मास्टर, एक लिया है स्लेव। यहाँ पे चार लाइनें हैं जो कि MOSI, MISO, SCL और SS या CS, यानी कि MOSI यानी कि मास्टर आउट स्लेव इन, MISO का मतलब होता है मास्टर इन स्लेव आउट। उसी तरह से सीरियल क्लॉक जो एक रेगुलर जो होता है, उसी तरह से SS और CS यानी कि स्लेव सिलेक्ट या चिप सिलेक्ट। तो ये इतनी जो लाइनें होती हैं जो यहाँ पे यूज़ में ली जाती है। अब ये कौन सी लाइन कहाँ जाती है इसको हम समझ लेते हैं। तो जिस तरह से इसमें चार लाइनें होती है वैसे ही स्लेव के अंदर भी चार लाइनें होती है। तो सबसे पहले हम बात करें MOSI की, बात कर लेते हैं क्लॉक की, यानी कि क्लॉक जो होता है वो हमेशा से CPU से ही आउट होता है और ये हमेशा स्लेव के अंदर जाता है। तो ये हमेशा से सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा MOSI जो है यानी कि मास्टर आउट स्लेव इन, यानी कि ये मास्टर से लाइन आउट होगी और स्लेव के अंदर इन होगी, तो इसको बोला जाएगा MOSI। इसके अलावा MISO जो है यानी कि इसका मतलब है मास्टर इन स्लेव आउट, यानी कि स्लेव से ये आउट हुआ है और मास्टर के अंदर इन हुआ है। तो ये दो लाइनें हैं जो ऑल्टरनेट है, यानी कि जहाँ पे एक ही लाइन के अंदर हम लोग डेटा का जो ट्रांसफ़र करते थे, यहाँ पे दो लाइनें दी गई हैं रीड और राइट करने के लिए, क्योंकि उसमें रीड और राइट दोनों एक साथ कभी
नहीं हो सकता है, एक लाइन के अंदर एक या तो रीडिंग होगा या तो राइटिंग होगा, तो उसमें कुछ वक्त लग जाता है, यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे काम नहीं लगती है, उससे थोड़ा ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जो स्लेव सिलेक्ट या चिप सिलेक्ट है वो किस काम करता है कि आपको कौन सी स्लेव के साथ जो मास्टर है वो कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये इसके लिए चिप सिलेक्ट की एक लाइन दी गई। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो कि यहाँ पे डेटा के लेन देन के लिए यहाँ पे यूज़ में आता है। अब इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, यानी कि अगर आप देखोगे डायग्राम वाइज, तो यहाँ पे आपको दो तरह के जो फंडामेंटल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये बेसिक हमने समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसके जो दो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से जो पहला है वो है इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मास्टर लिया हुआ है, मास्टर यानी कि सीपीयू, उसके अंदर हम उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ स्लेव लिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन स्लेव लिए हुए हैं, स्लेव वन, स्लेव टू और स्लेव थ्री। तो ये तीन स्लेव लेने के बाद हमने जो मेन लाइनें हैं यानी कि मोसी, मीजो, क्लॉक और चिप सिलेक्ट के लिए, यहाँ पे हर स्लेव के लिए एक अलग लाइन दी गई है। तो ये कैसे काम करेगा इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे चार लाइनें हैं वैसे यहाँ पे भी हर स्लेव के अंदर भी चार लाइनें होगी। तो ये कम्युनिकेट करने के लिए ये चार लाइनें जो है वो हर स्लेव के अंदर होनी ज़रूरी है, जिसमें एक मोसी होगी, एक मीजो होगा, एक सीरियल क्लॉक होगा और एक होगा चिप सिलेक्ट या स्लेव सिलेक्ट। तो ये इतनी लाइनें जो है वो आपको हर स्लेव के अंदर देखने को मिलेगी। और सीपीयू के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें आपको दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। जो पहला हमने देखा, तो ये पहले कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक मोसी है, एक मीसो है और एक क्लॉक है। इसके अलावा स्लेव सिलेक्ट या चिप सिलेक्ट के लिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, यानी क्योंकि तीन स्लेव है हमारे पास, तो तीनों के लिए एक एक पर्सनल लाइन दी गई है। तो ये कैसे काम करता है इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्लॉक की, तो क्लॉक जो है एज यूजुअल हर स्लेव के साथ जुड़ा होगा, जो कि मास्टर से आउट होगा और हर स्लेव के अंदर इनपुट होगा, यानी कि क्लॉक जो है वो हमेशा सीपीयू से निकलता है और अदर जो स्लेव है उनके साथ ये कम्युनिकेट करता है, यानी कि क्लॉक जो होता है वो हमेशा सीपीयू से निकलता है और बाकी के स्लेव के साथ जाके मिलता है। तो ये एक कॉमन चीज़ है। इसके अलावा हम बात करें कि चिप सिलेक्ट के लिए, यहाँ पर हर चिप सिलेक्ट के लिए एक अलग लाइन दी गई है, यानी कि हर चिप को सिलेक्ट करने के लिए या स्लेव को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सीपीयू में से अलग लाइन है, यानी कि सीपीयू कब कौन से स्लेव के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है वो हिसाब से वो स्लेव को सिलेक्ट करेगा और उसके अंदर अपना डेटा जो है वो रीड या राइट कराएगा। तो ये इसके लिए जो स्लेव सिलेक्ट है वो इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, यानी कि हर एक का अपना अपना खुद का है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो चीज़ हमने समझ ली। अब हम बात करें मोसी और मीजो की, तो मोसी और मीजो में क्या होगा, तो सबसे पहले हम मोसी की बात करें, यानी कि मास्टर से आउट होगा और हर स्लेव के अंदर इनपुट होगा, यानी कि मास्टर आउट, स्लेव इनपुट, ये तीनों चीज़ें जो है, ये तीनों स्लेव जो है वो एक ही मास्टर के साथ कनेक्टेड है, यानी कि एक ही कॉमन लाइन के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही यहाँ से चिप सिलेक्ट होगी तो मोसी की लाइन के द्वारा यहाँ पे जो भी सिलेक्ट है उसके अंदर डेटा रीड या राइट करना है तो ये यहाँ से होगा। इसके अलावा मीजो की जो लाइन है वो हर स्लेव के अंदर से निकलेगी आउटपुट और ये तीनों जाएगी मेन स्लेव के अंदर। तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा दूसरी एक डिज़ाइन है जो आपको कहीं देखने को मिल सकती है, तो ये डिज़ाइन क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं, जिसको बोला जाता है डेजी चैन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये डेजी चैन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से वापस से मैंने एक मास्टर लिया हुआ है और एक मास्टर के साथ हमने कुछ लाइनें ली हुई है, तो यहाँ पे ली हुई है मोसी, मीजो, क्लॉक और चिप सिलेक्ट या स्लेव सिलेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्लेव सिलेक्ट या चिप सिलेक्ट के लिए एक ही लाइन ली गई है, यानी कि इंडिपेंडेंट लाइन नहीं है, यहाँ पे एक ही लाइन है। तो यहाँ पे किस तरह से वर्क होगा उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्लेव ले लेते हैं, तो ये हमने स्लेव वन ले लिया, उसकी जो चार लाइनें हैं वो ले ली, उसी तरह से हमने स्लेव टू ले लिया और उसकी जो चार लाइनें हैं वो हमने ले ली, उसी तरह से हमने स्लेव थ्री ले लिया और स्लेव थ्री के लिए जो चार लाइनें हैं वो हमने ले ली। ये सब में कॉमन रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन सीपीयू का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो या तो इंडिपेंडेंट कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा या आपको डेजी चैन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। तो ये डेजी चैन कॉन्फ़िगरेशन है ये किस तरह से वर्क करता है या इसकी वायरिंग किस तरह से होती है इस वायरिंग को हम समझ लेते हैं, क्योंकि आपको दोनों तरह की जो वायरिंग है वो अलग अलग सर्किट में देखने को मिल सकती है। तो ये वायरिंग किस तरह से होती है उसको हम समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करें क्लॉक की, क्योंकि क्लॉक जो है हमारा ऑलवेज सीपीयू से निकलता है और बाकी स्लेव के साथ कनेक्ट होता है, ये कॉमन है तो ये वैसे ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हम बात करें तो चिप सिलेक्ट की, तो चिप सिलेक्ट जो है वो यहाँ तीनों के साथ जो है वो कनेक्टेड रहेगा, यानी कि एक चिप सिलेक्ट है जो मास्टर से निकला है और ये तीनों चिप के साथ यानी कि तीनों स्लेव के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। यहाँ तक की बात जो है वो समझ में आती है, लेकिन ट्विस्ट है जो इसके बाद है, यानी कि अभी क्या ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सपोज यहाँ से जो हमारा मोजी है यानी कि मास्टर आउट स्लेव इन, ये स्लेव वन के अंदर गया, यानी कि स्लेव वन के अंदर ये इनपुट हुआ, लेकिन स्लेव वन का जो आउटपुट होगा यानी कि मीसो जो लाइन होगी वो सीपीयू में नहीं जाएगी, वो दूसरे स्लेव के लिए इनपुट हो जाएगी, यानी कि पहले स्लेव का आउटपुट दूसरे स्लेव के लिए इनपुट बन जाएगा और दूसरे स्लेव का आउटपुट जो है वो तीसरे स्लेव के लिए यहाँ पे इनपुट बन जाएगा। तो ये एक चेंजेस है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब इसका जो आउटपुट बनेगा यानी कि तीसरे स्लेव का जो आउटपुट बनेगा वो जाएगा मास्टर के अंदर। तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे बोला जाता है डेजी चैन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसके आगे का जो सेक्शन आने वाला है वो समझने के लिए ये मैंने बेसिक्स आपको ये बताया है, जिन लोगों ने I2C का चैप्टर नहीं देखा है वो एक बार देख लेंगे तो ये जो चीज़ें हैं उनको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये उसका नेक्स्ट चैप्टर है जो I2C वगैरह हमने जो देखा था इसके पहले के चैप्टर के अंदर, तो उसी का ये दूसरी कड़ी है, यानी कि उसको आपने समझ लिया है तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आगे के सेक्शन के अंदर के, जब मैं आपको सेंसर वगैरह सेक्शन जब आपको दिखाऊंगा तो उसके अंदर ये SPI टेक्नोलॉजी का यानी कि सीरियल पेराफेरल इंटरफेस इसका किस तरह से यूज़ होता है और किस तरह से ये प्रोटोकॉल जो है वर्क करता है इसके बारे में हम वहाँ पे डायग्राम में मैं आपको ये प्रैक्टिकली चेकिंग करके इसका दिखाऊंगा। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।